हाउ टू मर्ज एंड अनमर्ज लेयर्स इन फोटोशॉप। फोटोशॉप के अंदर लेयर्स को मर्ज और अनमर्ज कैसे किया जाए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है और बहुत सिंपल सा इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, इनके बारे में आज जो अपन फटाफट से कवर कर लेते हैं। तो मेरा नाम है मनीष सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल डिजिटल मंजीत। चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक करके अपन सारी लेयर्स को मर्ज भी करके देखेंगे और उसके बाद में अपन इनको जो है अनमर्ज भी करके देखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पीछे बैकग्राउंड लेयर से। लेट्स से अपन बैकग्राउंड का कलर डाल देते हैं रेड। एंड जैसा कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर भी देखा था कि उसके अंदर हमने क्या किया था, सारे जो है जितने भी अपन ने कलर्स डाले थे वो एक ही के ऊपर में डाल दिए थे, राइट। सो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, अभी देखिए यहाँ पे हमने ये किया एंड देन उसके बाद में अगर हम इसके ऊपर कुछ और डाल देते हैं, लेट्स से यहाँ पे एक अलग सा कलर डाल देते हैं ब्लू, राइट। एक अलग लेयर है और इसका हार्डनेस मैं फुल कर लेता हूँ। ब्रश के बारे में अभी अपन ने नहीं देखा पूरा कंप्लीटली, तो जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे तो ब्रश के बारे में और ज्यादा डीपली अपन इसको समझेंगे। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, एक और ग्रीन कलर का ले लेते हैं ताकि पूरा RGB वाला अपना जो कोड है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, सो ये हो चुका है। अभी देखिए ये तीन अलग अलग लेयर है, राइट। ये एक अलग लेयर है, ये एक अलग लेयर है और एक ये अलग लेयर है। तो अब इन तीनों को मर्ज कैसे करना है, तो आप क्या करेंगे, तीनों को सेलेक्ट करेंगे साथ में। अब कैसे करना है, देखो पहले ऊपर वाले को सेलेक्ट करना है, देन कंट्रोल के साथ में आप क्लिक करेंगे तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज पहली वाली पे क्लिक करें और शिफ्ट के साथ में लास्ट वाले पे क्लिक कर सकते हैं तो भी ये आपका सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। देन यहीं पे राइट क्लिक करना है और उसके बाद में यहां पर आपको जो है मर्ज लेयर्स का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, मर्ज लेयर्स पे क्लिक करना है। तो अगर आप देखें तो हमारे पास में अब क्या हो गया, जितनी भी लेयर्स थी वो सारी एक लेयर बन गई, तो अब ये कंप्लीट वन लेयर हो गई। ठीक है, सो ये तरीका है मर्ज करने का। अब बता दिए अगर आपको इसको अनमर्ज करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। देखिए अनमर्ज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर हमारे पास में एक नई चीज देखने जा रहा है, दैट इज कॉल्ड हिस्ट्री। हिस्ट्री के लिए क्या करना है, आपको विंडोज में जाना है और यहां पर जाकर के आपको ये जो हिस्ट्री है यहां पे क्लिक कर देना, तो आपके पास में कुछ इस टाइप का एक चीज देखने को मिल जाएगा। तो ये जो जो आप स्टेप्स कर रहे हैं ना, वो सारे के सारे स्टेप्स आपको यहां पे दिखते रहेंगे। तो अब आपको क्या करना है, यहां पर हमारे देखो ये लास्ट स्टेप क्या है, मर्ज लेयर्स। और यस, अपन ने लास्ट स्टेप यही किया था, मर्ज लेयर्स, राइट। तो इससे पहले वाला क्या था, ब्रश टूल। तो हम क्या कर सकते, सिंपल इस पे क्लिक करेंगे तो अब अगर आप देखें तो हमारी तीनों लेयर्स अनमर्ज हो गई। अगर हम देखें तो अब तीनों अलग है, मर्ज लेयर्स पे क्लिक करोगे सारी मर्ज हो जाएंगी। सो इस तरीके से आप जो है मर्ज और अनमर्ज जो है कर सकते हो। बट अगर आपने जैसे अभी हमने ये मर्ज किया, मर्ज करने के बाद में अगर आपने कुछ और चीजें की, लेट्स से एक नई लेयर पे गए और मैंने एक अलग कलर से यहां पर डाल दिया, ठीक है, एंड आफ्टर दैट अगर आप इसको जो है येलो कलर भी नहीं जो है हटाना चाहते हो, उसको अनमर्ज करना चाहते हो, सो यहाँ पे क्या होगा, ये आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको जो है मर्ज लेयर्स पे जैसे ही क्लिक करोगे तो वो जो लेयर है वो यहां से गायब हो जाएगी। सो ये एक जो है गलत तरीका है मर्ज और अनमर्ज करने का। बट हम अगर इसको जो है कन्वर्ट स्मार्ट ऑब्जेक्ट करवा देंगे, जो कि अपन नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले स्मार्ट ऑब्जेक्ट एंड रास्टर इमेजेस के बारे में, तो उसके अंदर आपको जो एक बहुत सिंपल तरीका है मर्ज और अनमर्ज करने का, जिससे कि आप सारी लेयर्स, आप कितना भी आगे बढ़ चुके हो आपको कोई भी चीज लॉस नहीं होगा, सारा कुछ आप मर्ज एंड अनमर्ज कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये वीडियो जो है अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर आपको जो है ऐसी और भी वीडियोस के नोटिफिकेशन आते रहे तो उसके लिए बेल का आइकन जरूर से दबा दीजिएगा। चलिए मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन स्टे सेफ, गुड बाय।